जो मनुष्य ये चीज़ अपने पूजा घर में लाकर सुशोभित करेगा, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम होगा। माँ लक्ष्मी धन प्रिया हैं, धन देने में समर्थ हैं, धन की देवी उनको बोलते हैं। तो धन की देवी का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो अपने पूजा घर में ये चीज़ अवश्य ला के रखिए। पूजा घर में ये चीज़ अगर आपको नहीं है आपके पास में तो अवश्य ही लेकर आइए। मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ, आज आपको माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएँ जो आपके परिवार में आपके पूजा घर में अवश्य ही होनी चाहिए। तो नए वर्ष पर इसको कभी भी ले आइए शुभ मुहूर्त देखकर, लेकिन ये आपके घर में होनी चाहिए। और आज भी लेकर आ सकते हैं, शुक्रवार है, आज माँ लक्ष्मी का दिन है, शुक्रदेव का दिन है और शुक्रदेव की कृपा आपको चाहिए तो आज यानी 31 दिसंबर 2021 को ये चीज़ आप ला के रख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को जो प्रसन्न करने की चीज़ें तो रात्रि को भी रखी जाती हैं, क्योंकि रात्रि को भी माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से होती है, तो आप रात्रि को भी रख सकते हैं 12 बजे से पहले, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा पूरे वर्ष 2022 में आप पर बनी रहेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है जानकर। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ में यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको अपने पूजा स्थान में रखनी है और क्या चीज़ आपको पूजा स्थान में नहीं रखनी है। रखनी है इस पर ही विशेष बात करूंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अपने मंदिर में नहीं करनी चाहिए। जैसे बिना नहाए मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, हाथ मुंह धोकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए अगर आप भगवान के मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। अगर आप पूजा घर की साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो भी आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपने घर की नॉर्मल जो झाड़ू होती है, कामन झाड़ू होती है, उससे पूजा घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। मोरपंख की झाड़ू या अन्य झाड़ू का प्रयोग आप कर सकते हैं जो पूजा घर के निमित्त तैयार होती है। तो पूजा घर के निमित्त मोरपंख की झाड़ू नेगेटिविटी को भी दूर करती है और आपको बहुत पैसे वाला बनाने में मदद करती है, क्योंकि मोरपंख जो होता है जहाँ जिस घर में होता है उस घर में नेगेटिव एनर्जी वास नहीं करती है। तो अपने पूजा घर में ऐसे क्या चीज़ रखें जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता दे और आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे वर्ष भर आप पर बना रहे, तो ये जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। उससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी और आप लाभ की प्राप्ति करते रहेंगे। मित्रों, जो कपूर होती है, कपूर की जोत माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, तो आपको निरंतर या प्रतिदिन या कभी कभी जो कपूर की जोत अवश्य ही जलानी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 6 कपूर की गोली जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं और माँ लक्ष्मी की जोत करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी शुक्रदेव की कृपा भी मिलती है, क्योंकि 6 का अंक जो होता है शुक्रदेव का भी होता है। गुलाब का या कमल का पुष्प भी आपको प्रतिदिन अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए, ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है और समुद्र मंथन के समय उनके प्राकट्य का भी उल्लेख है, तो आपको दक्षिणावर्ती शंख भी अपने पूजा स्थान में अवश्य ही रखना चाहिए। अगर आप अब तक नहीं लेकर आए हैं तो इसको अवश्य ही पूजा स्थान में स्थान दीजिए। माता लक्ष्मी को खुशबूदार चीज़ें बहुत पसंद है, आप किसी भी खुशबूदार चीज़ की धुनी दें माता लक्ष्मी को, वो धूप देवें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। खुशबूदार चीज़ों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, शुक्रदेव का भी आशीर्वाद भी आपको मिलता है। घर में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए और साफ़ सफाई जिस घर में होती है माँ लक्ष्मी माता आने को आतुर होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करना चाहती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा अमावस को भी की जाती है और अमावस के दिन पितृदेव का भी होता है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का भी दिन होता है, अतः आपको चाहिए कि पितृदेव का भी पूजन करें और पितृदेव के निमित्त आप जो भी उपक्रम करते हैं वो अवश्य करें। और पूरे घर की सफाई, जैसे दिवाली पे सफाई होती है क्योंकि दिवाली पे भी अमावस होती है और अमावस के दिन हम सफाई करते हैं, तो उसी प्रकार से हर अमावस और हर शनिवार आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए घर में, और दिवाली की तरह ही आपको सफाई करनी चाहिए, दिवाली की तरह ही आपको तैयार होना चाहिए, सजना संवरना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत कृपा मिलती है माता लक्ष्मी की और आपके घर में बहुत पैसा आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना और शेयर करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करनी चाहिए जिससे सबका भला हो सके, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके। मित्रों, हो सके।
तो आपकी ब्लैसिंग्स चाहती हूँ और सदा अपनी ब्लैसिंग्स मुझ पर बरसाते रहिए और मेरा भला चाहते रहिए। मैं तो आपका भला चाहती ही हूँ, लेकिन आप मेरे को ब्लैसिंग्स देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरी ब्लैसिंग्स हमेशा मेरे सब्सक्राइबर के साथ में होती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री, और बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। और अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, 5100 की संख्या में हो गए हैं अभी, और 5100 किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं, बहुत मेहनत से बनाए हैं। और इनको एंजॉय करिए और इनसे लाभ की प्राप्ति करिए। आपको बस टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर उमाश्री पॉपुलर वीडियो आप बोल सकते हैं, डॉक्टर उमाश्री मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप बोल सकते हैं। आपके आपके समक्ष मेरे वीडियो खुलते ही चले जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। तो आइए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।